अच्छा जी, आइए आपकी तरफ भाई आ गए हैं डॉक्टर बिल्कीज। आप तो इतना सिखाती हैं, आप तो आपने बड़ों से क्या सीखा और आपने बड़ों को क्या सिखाया? अच्छा देखिए, मैंने अपनी सास से खाना बनाना, क्योंकि हम मैं चित्राल से हूँ, वो हाँ। हिंदुस्तानी कल्चर, उनका खाने में बड़ा रिच कल्चर है ना, हाँ। भुना हुआ खाना है, बहुत ज़्यादा भूनना है, तो कभी कभार ऐसा होता था मेरे हाथ थक जाते थे, भून भून भून, फिर जाती थी कहती थी कि नहीं मेथी की खुशबू आ रही है बीबी, और भूनो। जैसे खाना बनाना मैंने अपनी सास से सीखा, वरना मेरा तो ऐसा था कि मैं बहुत सारा पानी डाल के ना, गोश्त में भी पानी डाल के बोलती थी, पानी बोलती थी, सालन नहीं बोलती थी, मुझे बिल्कुल इस तरह के खाने नहीं आते, जैसे कलेजी और इस तरह ना, फिश, ये सब मैंने अपनी सास से सीखा। एक वक्त ऐसा है कि मेरे और उनके हाथ का टेस्ट का डिफरेंस खत्म हो गया। अरे बाप रे, अगर मैं बनाती थी तो कहते थे कि अंजुम ने बनाया, मेरे ससुर नहीं पहचान पाते थे कि किसने बनाया। तो ये तो मैंने उनसे सीखा। और सिखाया क्या, देखिए हमारे कल्चर में ऐसा होता है कि ना, बचा हुआ खाना हम जो है ना जाया नहीं करते। हमारे ससुराल में ऐसा होता था कि सब अपने अपने, जैसे संडे को तो सब साथ नाश्ता करते थे, वरना सब अपने अपना खाना नाश्ता अलग करते थे, पराठा आधा बचा हुआ है, चीज़ें बची हुई तो वो डस्टबिन में चला जाए, कुछ भी। हमारे कल्चर में, मेरी घर में ये बहुत ज़्यादा बुरा माना जाता है, रिस्क की बेइज्जती नहीं बर्दाश्त होती, तो ऐसा होता था कि कुछ भी हो ना तो आप बचा हुआ रोटी के टुकड़े आपने खाने, तो हमें कहते थे कि इससे सवाब होता है। तो मैं जब शादी हुई तो मैं वही उसमें थी, फेस में थी, तो मैं क्या करती थी कि तारिक के लिए भी ना वो जो जिनके बचे हुए टुकड़े होते ले जाती थी पराठे के, मैं कहती थी कि ना भाई इतने सारे बचे हुए थे तो मैं ज़्यादा क्यों बनाऊँ, तो मुझे कहते थे ये लेजी है ना, आलसी है, इसलिए नहीं बना रही। मैंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब कि रिस्क की इज्जत करना चाहिए। लेकिन शुरू में तो हुआ, लेकिन बाद में उन्होंने ये एक्सेप्ट किया मेरे सास ससुर ने कि वाकई ये सही कह रही है कि या तो आप इतना बनाओ जो आप खा सको, नहीं तो आप रिस्क को ज़ाया नहीं करो।